नमस्कार. तेज आणि फास्ट बातम्यांसाठी एकदा परत मी अंजली कदम 24 तास मध्ये उभी आहे. तुम्ही बघत राहा फक्त 24 तास. मंटू मिश्रा के हाथ में सर्वांना मी विनंती करतोय, प्रणाम करतोय. आज मी काहीतरी आहेत महाराष्ट्र, मी मला भरपूर दिलं आहे. अगर महाराष्ट्र नाही होतं तर माझ्याकडे काहीच नव्हतं. महाराष्ट्राला मी खूप खूप आभार मानतोय की महाराष्ट्र ही माझी मौशी आहेत आणि मौशीने मला भरपूर आशीर्वाद आहेत आणि वर्ष आणि लाईफ टाईम मी महाराष्ट्र आभारी आहो. आणि महाराष्ट्र लोकांना मी प्रणाम करतोय, देवाला मी प्रणाम करतोय, मा मुंबा देवीला प्रणाम करतोय, हे धर्मभूमीला प्रणाम करतोय, हे पण लक्ष्मण सतयुग द्वापर त्रेता सगळे लोक हे महाराष्ट्रामध्ये आला होता. तुम्हाला माहिती असेल की आज जे झोपडपट्टी हमी लोक बोलतात की चॉलमध्ये बोलतात ते भगवान रामने स्वतःच निर्माण केलं होतं मा सीतासाठी. आणि म्हणून आज सगळे लोक येतात मुंबईवरून, यूपी महाराष्ट्र वेगळे वेगळं स्टेटवरून येतात. आणि हे महाराष्ट्र असं आहेत नगरी, लोकांना पेट पोटे नक्की भरणार हे महाराष्ट्रामध्ये आहेत. पण महाराष्ट्र मी पुन्हा प्रणाम करतोय. हे जे आज मी काहीतरी आहेत महाराष्ट्रने मला सगळे दिले आहेत. पडले आती आरत देखने के लिए यहाँ भी मेरे को ऐसा लगा कि जितनी पब्लिक अरविंद उपाध्याय जी ने जुटाई है आरती के माध्यम से, हमको बहुत खुशी मिली कि मुंबई में भी व्यक्ति के पास समय है धार्मिक कार्य को देखने के लिए. अभी तक ऐसा कहीं हिल नहीं होता रहा मेरे को कि इतनी भीड़ भी हो सकती है अचानक आरती करने से वाराणसी में. ये तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. अरविंद उपाध्याय जी भी मेरे यूपी के हैं. वाराणसी यहाँ मुंबई जैसी माया नगरी में आके इतना अच्छा धार्मिक कार्य जो कर रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले उनने एक कथा भी यहाँ पे करवाई है जो अच्छे स्तर पे करवाई है. मुंबई में तो व्यक्ति के पास एक मिनट का भी समय नहीं है कि कोई ऐसा काम करवाए, क्योंकि व्यक्ति पैसा दे सकता मगर धार्मिक कार्य में समय नहीं दे सकता है. और वो बंदे मेरे को इतने अच्छे लगे, मेरा पूरा यहाँ पर आने का कोई भी वो नहीं था. अंतिम तक मैंने उनसे कहा मैं लड़कों को पंडितों को भेज दे रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा. उन्होंने इतना आग्रह किया मेरे से कि रवि जी आप जरूर आइए और यहाँ पर भी दिखाइए कि गंगा आरती होती क्या है. सभी भक्त यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, प्रसाद लेते हैं, एंजॉय करते हैं और माता रानी की भेंटें सुनते हैं, झांकी का आनंद लेते हैं और पूरा एकदम खूब एकदम भक्ति माहौल, भक्तिमय माहौल हो जाता है माता रानी के दरबार में. और भक्ति फिर से आ रहा है कार्यक्रम. अभी आप लोग नवरात्रि में देखे होंगे उसमें ढेर सारे गाने और कार्यक्रम का एंजॉय भी करेंगे. छठ का गीत भी है उसमें. जाते जाते मैं एक ट्रेडिशनल सुना दे रहा हूँ आपको. हर एक आते हैं जो दूर दूर हो गए हैं वो भी नज़दीक आते हैं. इसलिए हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने त्यौहार बनाए, संस्कार बनाए, धर्म बनाए, जिससे हम जो परिवार में विघटन हो गया, दूरियां हो गई हैं, सब एक हो सके. इसीलिए माता रानी का दरबार आज देखिए, उनके कितने रिश्तेदार भी दूर दूर से आए, इष्ट मित्र भी दूर दूर से आए, गांव से आए. तो ये माता रानी का दरबार ऐसे ही सजा रहा है जो समाज में विघटन हो रहा है. समाज में ये काकी जो परिवार कहा जाता है कि हम किसी देवी देवता को नहीं देखते लेकिन सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं और सूर्य से ही सारे सृष्टि में एनर्जी आती है, सारे प्रकृति में एनर्जी आती है. अगर सूर्य ना हो तो कुछ भी ना हो, ना ऑक्सीजन हो, ना जल हो, कोई चीज़ भी नहीं. इसलिए सूर्य की उपासना करते रहिए, छठ पूजा की उपासना करते रहिए. छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ. और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया माता रानी के दर. हम लोग उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिला विंध्याचल धाम से आते हैं और अरविंद भैया जैसे यशस्वी व्यक्तित्व हमारे बड़े भाई हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है. सुर संग्राम एक रियलिटी शो हुआ करता था महुआ चैनल पर,
जिसमें तो हम लोग जीते नहीं, उसमें तो हार गए, लेकिन हारने के बाद भी अरविंद उपाध्याय जी भैया लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि मन जीत जाता है हरदम। और साल में एक बार 365 दिन में एक बार माया नगरी में आते हैं, जगराता में आते हैं, इनके जन्मदिन में आते हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से घर घर जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कामना संसार पे है, मायू के मायू, मायू के मायू, मायू के मायू, सबकी माँ और संसार की माँ जगत जननी माता रानी होती हैं। और मंटू की भी माँ हैं, सुरेश भैया की भी माँ हैं, संसार की माँ हैं, तो बिना माँ के तो सृष्टि चलता ही नहीं। और मैं यही कहूँगा सारे मीडिया वाले भाई लोगों के सामने मुखातिब हूँ आज, कि माँ के बिना पूरे संसार में पत्ता नहीं हिलता, हम लोग तो सुर कैसे चलेगा बिना उनके कृपा से। जो भी लटकता है गाड़ी पे उसी का एक्सीडेंट होता है, हम लोग देखते हैं। इसलिए आप लोग देखिए, ऐसा कर दिया तो मुझे भूल गया, सब माँ से लिंक टूट जाता है ना, लिंक माँ।